देश में कोरोना वायरस का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र में है, जिसे देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने मुंबई और पुणे से आने वाली बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। बसों का संचालन बंद करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। चाइना के वुहान से फैला कोरोना का कहर अब भारत में भी तेजी से फैल रहा है। इस वायरस की चपेट में सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र में मिले हैं। यही कारण है कि इंदौर जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से आने वाली सभी बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी के अनुसार मुंबई और पुणे में रहने वाले इंदौर के लोगों को लाने के लिए 2 दिनों का समय दिया जा रहा है। हमने पुणे बॉम्बे जो महाराष्ट्र की बसेज हैं इंटरस्टेट उनको बंद करने का निर्णय लिया है और उसमें लेकिन अभी 2 दिन का हमने गैप रखा है ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स या ऐसे कोई रह गए हैं, वैसे तो अधिकांश लोग वापस आ चुके हैं क्योंकि महाराष्ट्र में भी सब जगहों पर छुट्टियां हो गई हैं, तो वो वापस आ सकें। 21 तारीख से हम लोग AICTCL की बसेस भी और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस भी हैं महाराष्ट्र से आने वाली वो बंद करेंगे। इससे पहले संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने आज जगत गुरु दत्तात्रेय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहाँ कोरोना के संदर्भ में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। संभागायुक्त ने बताया कि यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को 24 घंटे के लिए निगरानी में रखा जाएगा। नहीं देखिए, यहां पे एक हमने क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई है जिसमें जो इंटरनेशनल फ्लाइट हमारे हफ्ते में 2 बार आएगी दुबई वाली, उसमें जो पेशेंट्स रहेंगे उनके ABC कैटेगरी में पहले यहां पे एक बार स्क्रीनिंग होगी उनकी और उसके बाद फिर उनको 24 घंटे के लिए हमको यहाँ पे क्वारंटीन पीरियड में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं बना ली गई हैं और 150 बेड्स की यहाँ उपलब्धता है जो कि सफिशियंट हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें ये शेड्यूलिंग है कि हमारे पास एक बैच जब चला जाएगा तब दूसरा बैच आएगा और यहाँ की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं और उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जो यात्री जो यहाँ पर क्वारंटीन किए जाएंगे उनको बेस्ट सुविधाएँ हम लोग यहाँ पर दे पाए और उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वहीं CMHO प्रवीण जडेजा ने बताया कि इंदौर दत्तात्रेय हॉस्पिटल में 150 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां UAE से आने वाले यात्रियों का क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए, अभी जो रोज नई गाइडलाइंस आती है, नई एडवाइजरी जारी की जाती है, उसके हिसाब से हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। इंदौर पूरी तरह से तैयार है कोरोना या COVID-19 की सामना करने के लिए। अभी ये जो एडवाइजरी है उसके साथ UAE से आने वाली फ्लाइट के समस्त पैसेंजर को हमें 24 आवर्स के लिए क्वारंटाइन करना है जो भी एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। इसलिए ये जहाँ भी हम खड़े हुए हैं, ये दत्तात्रेय अस्पताल है, यहाँ पर हमने 150 बेड का एक क्वारंटाइन हाउस बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटीज़ लगा दी है। इसके अतिरिक्त उनके रहने का, हाइजीन का, हर चीज़ का व्यवस्था कर दी गई है, भोजन का और अन्य जो भी आवश्यक दैनंदिन आवश्यकताएँ रहती हैं उनकी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो क्वारंटीन में हमारे पास है वो जो हमारा स्थानीय क्षेत्रीय छात्रावास है लोक परिवार कल्याण का, उसमें 60 बिस्तरों की व्यवस्था है और PCCT तथा महू के आर्मी अस्पताल में 6-6 बेड की व्यवस्था उपलब्धता है। इस तरह से हमारे पास क्वारंटाइन में अभी पर्याप्त मात्रा में लगभग 200 के करीब बेड उपलब्ध हैं और यदि आवश्यकता पड़ती है और आइसोलेशन की बात ज़रूरत पड़ती है तो हुकुमचंद में 20 और जो हमारा MRTB अस्पताल है जिसे आज हम इंदौर चेस्ट सेंटर कहते हैं वहाँ 60 बिस्तरों की उपलब्धता है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनमें से हमने करीब 18 लोगों को विभिन्न स्थलों पर डिप्यूट किया हुआ है, उन सभी का प्रशिक्षण भी हो गया है और हमारे जो पैरामेडिक्स स्टाफ है उन सबका भी प्रशिक्षण के पश्चात इन स्थानों पर लगाया गया है। ये बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनके जज्बे को मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन की ये सक्रियता प्रशंसनीय है, उम्मीद है कि आम जन भी प्रशासन को इस दिशा में सकारात्मक सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।